दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे घर की कल्पना की है जो कि पानी के ऊपर बसा हो? शायद नहीं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी बस्ती है जो कि पिछले 1300 सालों से पानी के ऊपर बसी है, और वो भी पूरे 7000 लोगों की। समुन्दर में तैरने वाली ये बस्ती चाइना में मौजूद है। यहाँ रहने वाले लोग टांका समुदाय के नाम से जाने जाते हैं। चीन के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में करीब 7000 मछुआरों के परिवार अपने परंपरागत नावों के मकान में रह रहे हैं। ये घर समुद्र पर तैर रहे हैं। समुद्री मछुआरों की ये बस्ती फुजियान राज्य के निंगड़े सिटी के पास समुद्र में तैर रही है। चीन में कई सदियों पहले टांका समुदाय के लोग वहां के शासकों के उत्पीड़न से इतने नाराज हुए कि उन्होंने समुद्र पर ही रहना तय कर लिया। करीब 700 ईस्वी से लेकर आज तक ये लोग ना तो धरती पर रहने को तैयार हैं और ना ही आधुनिक जीवन अपनाने को। इन लोगों को जिप्सीज ऑफ द सी भी कहा जाता है। 700 ईस्वी के समय में चीन में तांग राजवंश का शासन हुआ करता था। उस समय टांका जनजाति के लोग समुद्र से बचने के लिए समुद्र में अपनी नावों में रहने लगे थे। तभी से उन्हें जिप्सीज ऑन द सी कहा जाने लगा और वह कभी कभार ही जमीन पर आते थे। टांका जनजाति के लोगों का पूरा जीवन पानी के घरों और मछलियों के शिकार में ही बीत जाता है। इन्होंने जमीन पर जाने से बचने के लिए केवल फ्लोटिंग घर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी लकड़ी से तैयार कर लिए हैं। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना होने तक ये लोग न तो जमीन पर आते थे और न ही समुद्री किनारों पर बसे लोगों के साथ शादी के रिश्ते बनाते थे। वे अपनी नावों पर ही शादियां करते हैं। हाल ही में स्थानीय सरकार के प्रोत्साहन मिलने के बाद टांका समुदाय के लोग समुद्री किनारे पर घर जरूर बनाने लगे हैं, लेकिन अधिकतर लोग अपने परंपरागत तैरते हुए घरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट mysteriousnightsindia.blogspot.com पर विजिट भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।